गाइस वी आर इन द स्ट्रीट ऑफ मॉस्को, यहाँ पर हमारा फैंसी डिनर है वहाँ सामने, बट हमारा रिजर्वेशन 10 बजे का और हम 9:30 बजे आ गए। आई डेंट एक्सपेक्ट कि ऐसा कुछ होगा, सो फॉर द टाइमिंग आई थिंक मॉस्को में 9:30 बजे रात को अंधेरा हो जाता है, अनलाइक सेंट पीटर्सबर्ग। यहाँ पर वन ऑफ द मेजर थिंग्स विच आई हैव नोटिस इज कि लोगों को यहाँ पे गाड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक है। मतलब अगर आप लोगों को गाड़ियों के बारे में थोड़ा बहुत भी अगर आइडिया हो तो हर बंदा, अगर किसी के पास BMW है तो उसके पास M वेरिएंट होगा, किसी के पास मर्सिडीज है तो उसके पास AMG वेरिएंट होगा, विच आर द परफॉर्मेंस वेरिएंट्स ऑफ मर्सिडीज एंड BMW। आई डोंट नो आप लोगों को कितना आइडिया है, बट बहुत ही ज़्यादा क्लासिक कार्स। एंड अगर आप हर बंदे, मतलब बहुत ही ज़्यादा शौकीन है यार, सारे लोग इतने शौकीन है, मज़ा आ गया क्योंकि मैं कार का बहुत ज़्यादा एंथुजियास्ट हूँ, शौकीन हूँ। तो हर किसी को अपनी कार कस्टमाइज़ करवा कर रखनी है। आई विश इंडिया में ये सब पॉसिबल हो पाता। तो अब तक जो मैंने चीज़ नोटिस किया है, फ्रंट कैमरे से थोड़े से वीडियो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ होगा, बट अब तक जो चीज़ मैंने नोटिस किया है इनिशियली व्लॉग्स के अंदर, मेरे साथ जो दिक्कत थी वो ये थी कि मैं स्ट्रीट्स के बीच में खुल के नहीं बोल पा रहा था, या कोई भी चलता फिरता बंदा अगर मेरे को देख रहा होता तो थोड़ा सा लगता है, क्योंकि आई एम इन अ डिफरेंट कंट्री जो कि मेरा खुद का नेटिव नहीं है। बट लेटर ऑन आई रियलाइज़ कि ये जो लोग हैं यहाँ के, जितने भी बंदे चल फिर कर जा रहे हैं, किसी को मेरी कोई लैंग्वेज समझ आ नहीं रही, मेरे को इनकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है, इक्का दुक्का बंदा इंडियन मिल गया तो वो स्माइल पास कर कर निकल जाता है। सो दैट्स इट सो फार। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ग्रो कर रहा है, जब मैं खुद की ब्लॉग को वीडियो को एडिट करता हूँ तो मेरे को पता चलता है कि मैं कहाँ पर क्या गलती कर रहा हूँ, एंड नेक्स्ट टाइम उसको मैं इम्प्रूव करने का ट्राई करता हूँ। सो फार आई थिंक मैंने अपने 3 या 4 ब्लॉग्स के अंदर ही कैस्पर सो फार मैंने अपने 3 या 4 ब्लॉग्स के अंदर ही बहुत कुछ रियलाइज़ किया है। एक तो वॉइस क्वालिटी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है बिकॉज आईफोन, एंड मैं थोड़ा सा धीरे बोलने का ट्राई करता हूँ जस्ट सो दैट आई डोंट डिस्टर्ब इन लोगों का पीस। बट अभी जैसा कि मैं आप लोगों को कार्स के बारे में बता रहा था, यू कैन ईजिली हेयर किसी का इंजन रोर करता हुआ पीछे से निकलता है, साय 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 करते हुए सारे लोग निकलते हैं, तो आप लोगों को भी आइडिया है। सामने अभी अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो देर इज़ अ वेरी गुड बिल्डिंग, बट अभी आई थिंक बैक कैमरा टर्न ऑन करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा यार, एक तो मेरा हाथ इतना लंबा नहीं है ना कि मैं पूरी अपनी शक्ल को कैप्चर कर पाऊँ। ये मेरी मैडम है, पीछे पीछे कैमरे में आना चाहती हैं, बट उसको थोड़ा देखते हैं। अभी मैं आपको सामने की कुछ ये दिखाऊंगा, यहाँ पर थोड़ी देर खड़े होते हैं, कार्स वगैरह को नोटिस करते हैं बिकॉज आई लव कार्स बाइक्स। अभी पीछे से एक बंदा R1 लेके निकला, इनकलियरली सी ये बंदा भी कुछ ना कुछ तमीज़ी कार थी इसकी। तो अभी यहाँ पर थोड़ी देर देखेंगे, बिल्डिंग्स वगैरह देखते हैं, स्ट्रीट्स देखते हैं एंड कार्स देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कार्स। ये सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को के अंदर जो मेजर डिफरेंसेस अब तक जो मेरे को देखने को लगे वो यही है, यहाँ पर जो बिल्डिंग एनक्लोजर्स हैं वो थोड़े से कम ब्राइट हैं, क्योंकि जो सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर बिल्डिंग थी उनके अंदर क्या होता था, यहाँ पर लाइट जल रही है, वहाँ लाइट जल रही है, वहाँ लाइट जल रही है, वहाँ लाइट जल रही है, बट एज ऑफ नाउ यहाँ पर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। अब जैसे आप सामने देखो, सामने किसी बंदे की BMW X4 खड़ी हुई है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बट उसने कैब में लगा रखी है वो कार। यार बंदों को बड़े शौक है यार यहाँ पे, मैं क्या ही बताऊँ। सामने की वो ब्राइट लाइट्स, वो कोई इट लुक्स लाइक इट इज सम गुड स्ट्रीट, यहाँ पर आई डोंट नो क्या है। हाँ यहाँ पर मेन चीज़ जो होती है वो ये होती है, जैसे इन लोगों की लाइट छूट गया तो आपको कोई ना कोई तो भगाता हुआ दिखेगा, आवाज़ बजाता हुआ, क्योंकि हर किसी का यार इतना शौक है, सब बजाते हुए भागते हैं गाड़ी बहुत बुरी तरह यार। अब इनमें से कोई ना कोई तो खड़ा है जिसको चुल हो रही होगी एकदम फुल थ्रॉटल देने की और वो भगाएगा। हाँ सामने पुलिस खड़ी है, वो कोई इशू नहीं है, यहाँ पर सब अलाउड है। सामने हो रखी है अभी रेड लाइट, अभी इन लोगों की होगी ग्रीन और ये लोग भगाएंगे कुत्तों की तरह। एक आधा मरने वाला है आज इनमें से जो सामने। मैंने देखा मेन्यू, अगर आप इन लोगों का देखोगे ना तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो आपको एक अक्षर तो समझ आएगा नहीं, ठीक है, और उसके बाद भी अगर आपको कोई चीज़ गलती से समझ आ गई तो वो चीज़ बेसिकली इनके हर चीज़ के अंदर। यार खाने का मेन्यू देना, ये खाने का मेन्यू। हाँ तो इनकी हर चीज़ के अंदर यार चिकन बीफ पॉर्क ये लोग बनाते हैं, दो भाई मेक्सिकन रेस्टोरेंट है। अब जैसे ये है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ होगा यार, इनके सॉसेस स्लिम सॉस होते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। अब ये सब कुछ भी वेजिटेरियन नहीं है इसमें से,
नॉन वेज। तो ऐसे टाइम पे लगता है यार ब्राह्मण फैमिली में पैदा नहीं होना चाहिए था, ये जो वैल्यूज हम लोगों ने सीखी है ये नहीं सीखनी चाहिए थी, तो आज हो सकता है हम लोग खा सकते थे, बट अब नहीं मन करता है। सो वॉट कैन वी डू, इंडिया के बाहर आकर भी एक अच्छे रेस्टोरेंट में जो उसकी स्पेशलिटी हम लोग नहीं खा सकते तो हम लोग अपने अकॉर्डिंग खाने को मॉडिफाई करवाते हैं। जैसे कोई भी राइस बोल होगा चिकन का, तो उसके अंदर हम लोग बोल देंगे कि आप इसके अंदर चिकन निकाल के जो भी बचे वो हमको दे दो, तो दैट्स द बेस्ट दे कैन डू। प्रज्ञा इज टेंस क्योंकि प्रज्ञा मेरी कोई भी अच्छी पिक्चर नहीं क्लिक कर पाई है, अभी प्रज्ञा इज ट्राइंग हर बेस्ट कि मेरे को एक अच्छी पिक्चर क्लिक कर दे, आप लोग को इंस्टाग्राम पे दिख जाएगी, तो जाओ जाकर सब्सक्राइब करो, फॉलो करो या सब्सक्राइब तो यूट्यूब को करो। गाइस वापस रूम में आ चुके हैं, सुपर टायरिंग डे। सो आज के लिए ब्लॉग में इतना ही, आई होप आपको आज का दिन थोड़ा सा बेटर लगा होगा पिछले दिनों से। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप आप लोगों को एक्चुअली में सब कुछ अच्छा लगा होगा, जाते जाते लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।